हेलो ब्रीमन नमस्कार वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी में मैं सुनील व्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं सिक्स क्लास की एन हिस्ट्री जिसको हम पढ़ेंगे जनरल स्टडीज यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जनरल स्टडीज प्रीलिम्स जनरल स्टडीज पेपर वन इतिहास मेन्स उसके साथ साथ ऑप्शनल मेन्स तो आज ये सारी चीजें हम लोग शुरू कर रहे हैं चलिए यहाँ से अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं हिस्ट्री एन सी सिक्स क्लास और प्रतिदिन एक चैप्टर करेंगे याद रखिएगा आराम से चलेंगे प्रतिदिन एक एक चैप्टर करेंगे जिससे आप अन्य सब्जेक्ट भी यानी आप हिंदू भी अच्छे से पढ़ पाएं आपके और भी कोई कोर्स चल रहे हो अपने ऑप्शनल को अच्छा टाइम दे पाएं तो केवल एक चैप्टर डेली लेकर के चलेंगे ध्यान रखिएगा और एक चीज़ और समय बच्चों कल से बदल जाएगा कल से जो इस लेक्चर का समय होगा वो एलेवन पे होगा याद रखिएगा कितने बजे सवा बजे का होगा उसके पीछे रीज़न है कि कुछ और एजुकेटर्स हैं जिनकी क्लास मेरी इस क्लास की वजह से डिस्टर्ब हो गई है तो ऑब्वियस है एक नैतिकता के कारण मैं अपनी क्लास स्वयं जो है शिफ्ट कर रहा हूं सवा ग्यारह बजे जिससे किसी और की क्लास मेरी क्लास से डिस्टर्ब ना हो तो कल से सवा ग्यारह बजे रीज़न यही है कि और भी एजुकेटर्स हैं जो पढ़ाते हैं मेरी वजह से उनकी क्लास पर इफेक्ट आया इस वजह से सवा ग्यारह बजे मैं इस क्लास का टाइमिंग रख रहा हूं कल से ध्यान रखेगा जो प्लस के बच्चे हैं आप लोगों की प्लस की क्लास आला मुझे काफी इधर उधर करना पड़ा मेरी प्लस की क्लास दस से बारह चलती उससे मुझे नौ बजे कराना पड़ा तो नौ से ग्यारह की क्लास और सवा ग्यारह से लेकर के सवा बारह साढ़े बारह तक यानी आपकी ये क्लास तो आई होप आप सब मेरे साथ यहां पर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे चलिए बच्चों शुरू करते हैं सब कुछ परफेक्ट है ठीक है तो कल से सवा ग्यारह बजे आप सब यहां पर मौजूद रहेंगे रेडी रहेंगे जिससे मेरा भी एक प्रकार से उत्साह बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के साथ एक अच्छी जर्नी यहाँ पर कर पाऊं किस विषय में इतिहास में ध्यान रखेगा किस विषय में तो इतिहास में ध्यान रखें आप सब लोग तो बच्चों आज मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूं वो मैं अनसॉल्व देख रहा था आज मैं एक शब्द से शुरुआत करने जा रहा हूं सबसे पहले शब्द क्या एक प्रश्न से आप ऐसा मानिए मैं आज क्लास सिक्स की एनसीआरटी का ठीक है तो एक प्रश्न मैं लिखता हूं और यहीं से आज की शुरुआत करता हूं भारतीय एक प्रश्न आया था 2018 में 2018 में जीएस मेंस पेपर जी में जीएस में आया था तो प्लीज इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी निकाल लेंगे मैं हिंदी में लिख रहा हूं भारतीय कला विरासत का संरक्षण क्वेश्चन था भारतीय कला विरासत का संरक्षण भारतीय कला विरासत का संरक्षण का संरक्षण वर्तमान की आवश्यकता है देख रहे हैं वर्तमान की आवश्यकता है ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है वर्तमान की आवश्यकता है चर्चा कीजिए क्या कीजिए चर्चा कीजिए यह प्रश्न आपका आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों इसको इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहें तो एक बार मैं लिख देता हूं सेफ गार्डिंग द क्या है गार्डिंग दा। सेफ गार्डिंग द सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज द इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज आर्ट एंड हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मूमेंट इज द नीड ऑफ द मूमेंट डिस्कस करना है आपको क्या करना है डिस्कस करना है याद रखिएगा दस अंकों का टेन मार्क्स का ये क्वेश्चन है यहां से आज अपनी चर्चा हम लोग शुरू कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों भारतीय कला विरासत का संरक्षण आप कहेंगे सर इस प्रश्न से सिक्स क्लास के एनसीईआरटी का क्या संबंध है तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न से सिक्स क्लास के एनसीईआरटी का बड़ा गहरा संबंध है क्योंकि सिक्स क्लास की एनसीईआरटी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे अतीत इधर देखिएगा जरा ध्यान से साइंटिफिक पढ़ाई विज्ञान को हम एज साइंस पढ़ें तब हम उसका आउटकम बेहतर निकाल पाएंगे यानी आओ प्रयोग करके सीखें क्या करें आओ प्रयोग करके सीखें तो इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान की आवश्यकता है तो इसका मतलब है हम यह जो हमारे अतीत पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे अतीत को केवल अतीत की जानकारी के लिहाज से अतीत की जानकारी की वजह से नहीं पढ़ने जा रहे हैं हम हमारे अतीत पार्ट वन इसलिए पढ़ने जा रहे हैं जिससे कि हम यानी यह या समझ सकें कि हमारे अतीत में जो भारतीय कला विरासत है जिसका एक डायग्राम कल मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखा यानी भारत की वास्तुकला भारत की स्थापत्य कला भारत की मूर्ति कला भारत की, की चित्रकला ये भारत का रिलीफ स्थापत्य यानी पत्थर पर उत्कीर्ण कला रिलीफ स्थापत्य तो इन सब का संरक्षण क्यों आवश्यक है ताजमहल का संरक्षण क्यों आवश्यक है भीम बेटका की गुफाओं का संरक्षण क्यों आवश्यक है बराबर की गुफाओं का संरक्षण क्यों आवश्यक है नागार्जुनी गुफाओं का संरक्षण क्यों आवश्यक है वाई तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम यानी इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए पूरी चर्चा करेंगे सिक्स क्लास की एनसीआर पहले चैप्टर का और जिसका नाम ही है यानी हमारे अतीत ध्यान रखेगा तो आज हम इस पहली चीज अब आती है दूसरी चीज जैसे कल मैंने क्लास जब शुरू किया है कल पहला लेक्चर था आज दूसरा लेक्चर है तो जब कल मैंने क्लास शुरू की तो उसमें मैंने क्या बोला मैंने इतिहास की परिभाषा आपके सामने रखी आपको इतिहास की परिभाषा बोली और इतिहास की परिभाषा में मैंने क्या बताया इतिहास की परिभाषा में मैंने आप लोगों को बताया कि अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन यानी अतीत का क्रमबद्ध जो पास्ट है जो अतीत है उसका क्रमबद्ध अध्ययन यानी सबसे पहले क्रमबद्ध का मतलब भाई पहले स्टोन के बारे में यानी प्री हिस्ट्री के बारे में प्राग इतिहास के बारे में देन आद्य इतिहास के बारे में देन इतिहास के बारे में ठीक है ना क्रमबद्ध तो अतीत का क्रमबद्ध क्यों जिससे हम बेहतर वर्तमान बना सकें तो मेरे प्यारे बच्चों क्या इसी परिभाषा के साथ हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि नहीं हम यानी क्या भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान की आवश्यकता है क्यों क्योंकि अतीत मैंने कल बताया था अतीत का अध्ययन है वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए तो भारतीय कला विरासत का संरक्षण इसलिए महत्वपूर्ण जिससे हम अपने वर्तमान को बेहतर बना सकें और कैसे बना सकें वो हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे और पॉइंट वहां पर आपके सामने डिस्कस करते जाएंगे तो ये हुई आपकी क्लास आई होप शुरुआत आप सबको पसंद आई होगी अब आगे बढ़ते हैं की जर्नी यहां पर पूरा कर सकते हैं और इस समय ऑफर चल रहा है 18 जुलाई से 22 जुलाई तक का अनलॉक 20 इसका मतलब होता है कि अगर आप प्लस कॉम्बो ऑफर लेते हैं या आइकोनिक कॉम्बो ऑफर लेते हैं तो बीस प्रतिशत यानी छूट मिलेगी जब आप मेरा कोड एस के लाइव यूज करेंगे तो यह छूट केवल यानी बाईस तारीख तक है आज उन्नीस तारीख है तो आप देख सकते हैं अगर आइकॉनिक कॉम्बो लेते हैं प्लस और आइकॉनिक कॉम्बो में इतना ही अंतर है आइकॉनिक में अन तरफ से आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाती है और ऑबियस उसका भी आपको फायदा होता है तो आइकॉनिक कॉम्बो अगर आप तीन साल का एडमिशन लेते हैं तो पैंतीस हजार और अगर दो साल का लेते हैं तो पच्चीस हजार कम हो रहा है अठारह महीने में उन्नीस हजार फीस आपको फायदा हो रही है और बारह महीने में सत्रह अच्छा हजार और है यानी अगर आप में एक ऑफर दिया गया है जिसका नाम है सीएससी अश्योर ये एक ऑफर है जब आप अन एकेडमी ऐप पर जाएंगे यूपीएससी सी एस कैटेगरी में एडमिशन लेने के लिए तो सी एस सी एश्योर नाम से एक ऑफर है और इसमें क्या है इसमें है कि अगर आप दो साल से या दो साल से ज्यादा का जैसे आपने ये आइकोनिक कम्बो दो साल से ज्यादा का लिया तो आपको देख सकते हैं एसके लाइव कोड का फायदा मिल रहा है उसके साथ साथ में दो साल के बाद जितना समय आपको सिलेक्शन में लगेगा आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ता चला जाएगा आपको फिर एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं यानी दो साल के एडमिशन में आप आजीवन अनकेडमी के छात्र रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता ये भी बहुत अच्छा ऑफर है और मेरा चूंकि बैच हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल आने वाला है फाउंडेशन बैच चल रहा है तो आप एडमिशन सी एस सी एसोर में ले सकते हैं फायदा होगा इसके अलावा टेस्ट सीरीज सीरीजेडमी की है वो मेन्स की टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग प्रोग्राम है ऑप्शनल टेस्ट सीरीज है यानी इसमें भी आप एसके के लाइफ कोर्स से एडमिशन लेते हैं तो ट्वेंटी परसेंट अभी आपको मिलेगा आप ये भी ले सकते हैं इसके अलावा यूपीएससी नोट्स टू पॉइंट यानी ये प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो भी बच्चा लेगा यानी ये जो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो ऑफर चल रहा है जो भी आप लेंगे बीस पुस्तकें भी आपको मिलेंगी क्या मिलेंगी यानी नोट्स टू पॉइंट ओ और नोट्स टू पॉइंट ओ यानी बहुत ज्यादा अपडेट किया गया है Notes का मतलब अपडेटेड नोट्स आपको मिलने वाले हैं ध्यान रखिएगा इसके साथ साथ यानी यूपीएससी जी एस कॉम्बैट होता ही होता है स्कॉलरशिप जबरदस्त चार करोड़ की तो आप जुलाई चौबीस सुबह ग्यारह बजे दे सकते हैं और इसमें भी एसके लाइव कोर्स से इनरोल कर सकते हैं डमी क्यों याद रखें क्योंकि सक्सेस भी है और सब कुछ अवेलेबल है जो पीछे आपको बता दिया गया और ई एम आई भी अवेलेबल है पे आप ले सकते हैं इसके साथ साथ जो बच्चे मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं एट द रेट आई एस इनोवेशन ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्या कर सकते हैं एट द रेट आई एस इनोवेशन ग्रुप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं हिस्ट्री एनसीआर क्लास चलिए शुरू करते हैं आज यानी और सबसे पहले एक दो बातें जो रोज़ होना ज़रूरी हैं क्यों पढ़ा रहा हूं बच्चे चूंकि बी मैंने हिस्ट्री से किया है एम मैंने हिस्ट्री से किया है यू क्वालिफाई हूं नेट वो भी मैंने यानी हिस्ट्री से ही किया है मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान में एज आ प्रोफेसर मैंने ज्वाइन किया है तो यहाँ पर भी मैं हिस्ट्री का ही प्रोफेसर हूँ इसके अलावा यूपीएससी का इंटरव्यू भी मैंने ऑप्शनल हिस्ट्री से ही दिया है उसका भी ये प्रूफ है आपके सामने और हिस्ट्री एन सी क्लास से बारह पढ़ाने जा रहा हूँ सबसे पहले न्यू एन ये न्यू एन है तो सिक्स क्लास की आज स्टार्ट हो रही है हमारे अतीत याद रखें और हम क्या क्या पढ़ेंगे अतीत का कैसे पता लगाएं पहली चीज़ हम ये पढ़ेंगे यानी अतीत का कैसे पता लगाया जाता है तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बेसिक है लेकिन इस बेसिक में भी अभी आप देखिएगा मैं प्रिलिम्स के क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूं तो इस चैप्टर को पढ़ते समय आप अपना एक दो से तीन चार पेज अलग से निकाल कर रखिए कि चैप्टर नंबर वन से प्रिलिम्स के क्वेश्चन चैप्टर नंबर वन से जीएस मेंस वन के क्वेश्चन और इसके साथ साथ यानी चैप्टर नंबर वन से ऑप्शनल के क्वेश्चन तो तीन पेज प्रतिदिन ए साइज के तीन पेज आप लोगों को अपने पास रखने हैं तब आप इसका आउटकम यानी पहले दिन तीन पेज इकट्ठा हुआ अगले दिन तीन ऐसे करते आपका संग्रह बनता चला जाएगा और अलग से नोट्स यानी मेरा लेक्चर देखने के बाद अलग से आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो पहली चीज है हाउ टू फाइंड द पास्ट यानी अतीत का कैसा कैसे पता लगाएं यानी इतिहास के बारे में हम कैसे पता लगाए अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं लोग कहाँ रहते थे हमारे देश के नाम यानी देश का नाम कैसे पड़ा प्रिलिम्स में क्वेश्चन आया है कि किसने हिंदुस्तान को इंडस और ये नाम दिया है ये सब अभी आपको इसी एनसीईआरटी में मिलेगा यानी प्रीलिम्स का पहला क्वेश्चन यही मिलेगा फिर देखिए स्रोत आ गया अतीत के बारे में कैसे जाने स्रोत जैसे ही स्रोत आएगा तो यहां पर ऑप्शनल का सिलेबस आकर के लग जाएगा क्या लग जाएगा ऑप्शनल का सिलेबस आकर के लग जाएगा स्रोत ठीक है क्या लग जाएगा स्रोत जैसे मान लीजिए अभी आपसे पूछे इतिहास में पांडुलिपियों का इतिहास लेखन में मेंस वाले बच्चे लिख लें पांडुलिपि क्या है पांडुलिपियों का इतिहास लेखन में क्या योगदान है तो पांडुलिपि और इतिहास लेखन में योगदान यह जनरल ऑप्शनल में तो क्योंकि सिलेबस दिया ही गया है लेकिन पांडुलिपियों के ऊपर चूंकि पांडुलिपि साहित्य है मेरे प्यारे बच्चों और जनरल स्टडीज मेंस के पेपर वन में सिलेबस दिया है प्राचीन काल से आधुनिक काल का आधुनिक काल तक के साहित्य के रूप साहित्य साहित्य यानी साहित्य सिलेबस में दिया गया है तो इसका मतलब है पांडुलिपियों पर जनरल स्टडीज में भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो आज हम स्रोतों में पांडुलिपियों के बारे में पढ़ेंगे जो जनरल स्टडीज पेपर वन मेंस के लिए भी और ऑप्शनल मेन्स के लिए और उसके साथ साथ पांडुलिपियां प्रीलिम्स के लिए कि उनकी क्या उपयोगिता है यानी प्राचीन काल में पांडुलिपि क्या थे तो पांडुलिपि क्या थे तो तीन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया पहला प्रलिम का उसके बाद फिर दो मेंस के एक जीएस का और ठीक है अतीत के बारे में फिर और बहुत सी बातें तिथियों का मतलब यानी इतिहास में डेट यानी तिथियों का क्या मतलब होता है ध्यान रखें तो ये सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं और सिलेबस आपके सामने देख सकते हैं यानी हिस्ट्री जीएस मेंस का सिलेबस यहाँ लगा हुआ है भारतीय विरासत एवं संस्कृति विश्व का इतिहास सिलेबस है पहली यूनिट आपके सामने लगी है क्या लगी है प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू तो आप देख सकते हैं इसमें साहित्य लिखा है और आज हम साहित्य में पांडुलिपि साहित्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में पांडुलिपि के बारे में तो पांडुलिपि साहित्य है और पूछा जा सकता आप कहेंगे सर ऐसे कैसे पूछा जा सकता है आप अपने मन से कह रहे हैं हम कहेंगे बच्चे किसको आइडिया था कि जनरल स्टडीज में ईरानी और चीनी यूनानी और चीनी लेखकों के ऊपर पिक्चर आ जाएगा यानी सॉरी क्वेश्चन आ जाएगा तो जब विदेशी इतिहासकारों पर प्रश्न लिखने को आ सकता है गुप्त काल का जो सिक्का है उस पर प्रश्न लिखने को आ सकता है तो पांडुलिपियों पर लिखने को क्यों नहीं आ सकता है? तो जब हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है हम इसको करते हुए चलेंगे और इधर देखिएगा भारतीय विरासत एवं संस्कृति यही प्रश्न आया था कि भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है क्या है भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को भी यहां पर लगातार समझते हुए चलेंगे इसके साथ साथ देख सकते हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेबस लगा हुआ पेपर वन और इस चैप्टर से हम देखे स्रोत लिखा हुआ ना बच्चे स्रोत तो आप देख सकते हैं सोर्सेस तो सोर्सेस में मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा देखिए लिखा होगा साहित्यिक स्रोत तो पांडुलिपि मेरे प्यारे बच्चों साहित्यिक स्रोत है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे इसके अलावा ऑप्शनल में पुरातात्विक स्रोतों का भी आज जिक्र किया जाएगा तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक में पांडुलिपियों के ऊपर आज बातचीत की जाएगी तो आप देख सकते हैं यानी साहित्य का पहला पार्ट आपका स्टार्ट होगा बाकी ये दूसरा ये तीसरा आगे की एनसीआर में स्टार्ट होगा याद रखें। इसके अलावा ऑप्शनल की यूनिट टू आपके सामने है इतिहास एवं आदि इतिहास तो पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल नौ पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल कुछ कुछ चर्चा यानी इसकी भी सांकेतिक रूप में पहले चैप्टर में देखने को मिलेगी तो मुझे लगता है कि आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं इसी पृष्ठभूमि के साथ और आप सबको एक जिम्मेदारी देता हूं ऑप्शनल के बच्चों को ध्यान रखिएगा आज से आपकी मैपिंग भी स्टार्ट है और जीएस के बच्चों की मैपिंग स्टार्ट है मेंस के क्वेश्चन में में ध्यान रखिएगा फिर से बोल दूं जीएस पेपर वन में कोई भी प्रश्न अगर आता है आप इंडिया का मैप बना करके कुछ भी आप फिल कर देते हैं जितना भी आपको आता है तो आप दूसरों से हाफ मार्क्स या वन मार्क्स ज्यादा पा जाएंगे और ऑप्शनल वालों का यानी प्रश्न पत्र एक का प्राचीन भारत के इतिहास का पहला क्वेश्चन ही आता है पचास अंकों की मैपिंग का जिसके अंतर्गत आप लोग पे, पेपर चेक करेंगे तो एक हिंदुस्तान के मैप के अंतर्गत क्या दिया रहता है नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर जहां पर कोई न कोई साइट होती है उसके बाद फिर क्वेश्चन देता है एक महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन नगर फिर नंबर एक नंबर दो ऐसे एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल तीसरा गुप्त काल की राजधानी वन टू थ्री करके ये दिया रहता है फिर आपको चूज करना पड़ता है कि पहली वाली मैप में कहाँ है यानी जो पहला मैप में कहा गया है वो क्या है दूसरा जो मैप में कहा गया वो क्या है तो मैपिंग भी हम करेंगे ध्यान रखिएगा आपको आज से ही सिखाता जाऊंगा मैं नहीं सिखाऊंगा इसमें दिया गया है तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले सिक्स क्लास की एन जो स्टार्ट होती है रशीदा का सवाल यानी रशीदा का सवाल का मतलब होता है जहां सेंसियारिटी स्टार्ट हो रही है कि जैसे आप और हम बात करते हैं भाई इतिहास क्या है तो रशीदा भी एक बच्ची है पढ़ रही सिक्स क्लास में पढ़ रही तो उसने सोचा उसने एक अखबार देखा उस अखबार पर लिखा हुआ था एक सुर्खी सौ साल पहले क्या है सौ साल पहले अब रशीदा आज है जैसे आप और हम सब आज के यहाँ रशीदा ही हैं हम सब वर्तमान में सौ साल पहले अखबार में हमने पढ़ा तो ऑब्वियस उसके मन में यह प्रश्न आया कि कोई कैसे यह जान सकता है बहुत अच्छा पॉइंट है कोई यह कैसे जान सकता है कि सौ वर्ष पहले क्या हुआ था और जैसे यह प्रश्न आता है कि कोई कैसे यह जान सकता है सौ वर्ष पहले क्या हुआ था तो उसका उत्तर है कोई जान सकता है किससे कि सौ वर्ष पहले क्या हुआ था यानी इतिहास के अतीत को जानने का जो आधार होता है वो होता है आप लिखिए प्रश्न का उत्तर रशीदा के प्रश्न का उत्तर इतिहास के स्रोत जिसमें पुरातात्विक स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अन्वेषण है उत्खनन है पुरालेख विद्या है मुद्रा शास्त्र है और स्मारक है और उसके बाद साहित्यिक स्रोत है साहित्यिक स्रोत स्रोतों में स्वदेशी यानी भारतीय स्रोत है और भारतीयों में भी प्राथमिक साहित्यिक स्रोत वितीय साहित्यिक स्रोत आप सबको समझते हैं शायद प्राथमिक और द्वितीयक में कन्फ्यूजन हो जाए प्राथमिक का मतलब बच्चे जैसे मनुस्मृति ठीक है और द्वितीयक का मतलब मनुस्मृति पर जितनी टीकाएं लिखी यानी मेधातिथि ने कुल्लू भट्ट ने रुचि ने इन लोगों ने मनुस्मृति पर टीका लिखी तो वह सब क्या है द्वितीय स्रोत हैं साहित्य के पहला कौन होता है जो पहली बार लिखा जाता है याद रखिएगा फिर कविता विज्ञान को लेकर के साहित्य ये सारी चीजें आप देख सकते हैं तो ये स्रोत हैं यानी विदेशी वर्णन यूनानियों के वर्णन चीनियों के वर्णन अरब लेखकों के वर्णन मेरे प्यारे बच्चों तो रसीदा के प्रश्न का उत्तर ये है और आपको भी समझाने का यही मेरे पास सबसे बेहतर तरीका था कि हम अपने अतीत के सौ वर्षों को कैसे जान सकते हैं आप कहेंगे अब कि सर स्रोत के द्वारा और स्रोतों में एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत क्या क्या होता है पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक और सबकी सूची वहां पर दी गई है तो आई होप अब आपसे अगर इंटरव्यू में भी कोई पूछे मस्ती में इतिहास को जान हम अपने पिछले सौ वर्षों के इतिहास को कैसे जान सकते हैं आपका उत्तर होगा पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के द्वारा तो रशीदा के प्रश्न का भी उत्तर यही है मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद अब यहां पर कई बातें चैप्टर वन में चैप्टर वन का टाइटल है वाट वेयर हाउ एंड तो कैसे पता लगाएं तो वही सारी बातें हैं याद रखिएगा यानी जो मैंने आप लोगों को बताया है मेरे प्यारे बच्चों अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है अतीत के बारे में जो स्रोत आपने पढ़े हैं अतीत के बारे में जो स्रोत आपने पढ़े वो अतीत के बारे में क्या बताएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी स्रोत हैं जो भी सोर्सेज हैं वो क्या बताएंगे ऑबियस है क्या बताएंगे लोग क्या खाते थे कैसे कपड़े पहनते थे किस तरह के घरों में रहते थे किस तरह के घरों में रहते थे इसके साथ क्या बताएंगे आखेटकों का जीवन शिकारियों का जीवन पशुपालकों का जीवन कृषकों का जीवन फिर इसके बाद क्या है शासकों का जीवन फिर क्या है व्यापारियों का जीवन फिर क्या पुरोहितों का जीवन फिर क्या शिल्पकारों का जीवन फिर क्या कलाकारों का जीवन फिर क्या संगीतकारों का जीवन और फिर क्या वैज्ञानिकों का जीवन तो आप देख सकते हैं इन सब के बारे में आप जानकारियां हासिल कर सकते हैं तो अब एक प्रश्न है ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स के लिए जो ऑप्शनल वाले हैं और जीएस वाले भी लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं चूंकि जीएस वन में साहित्य दिया ही गया है तो लिख सकते हैं कि साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत इतिहास की पुनर्रचना करते समय हिस्ट्री को रीराइट करते समय इतिहास की पुनर्रचना रचना करते समय किस या किन बातों पर प्रकाश डालते हैं तो अब आप देख सकते हैं किन बातों पर यानी जब भी हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास किन बातों पर प्रकाश डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने देख सकते हैं थोड़ा सा शायद कंटेंट कट रहा है क्यों बच्चों हल्का सा लेकिन अभी मैं कैमरे के साथ अगर कुछ भी छेड़छाड़ करूंगा तो फिर हो जाएगी दिक्कत क्यों बच्चे आज आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करें कल मैं कैमरा ठीक करवा लूंगा ठीक है एक बार बताए मुझे थोड़ा सा कंटेंट कट रहा है क्या बच्चे या काम चल रहा है ओके है तो ओके लिख दो ओके 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 फटाफट सारे लिख दो फटाफट एक बार ओके लिख दो बच्चे एक बार ठीक है एक बार ओके लिखे मैं चेक कर लूं आप लोगों का ठीक है ओके okay, ना ठीक है हाँ क्योंकि हम लोगों को ना बहुत मेहनत करनी है बच्चे तो आई होप और एक चीज मजा आ रहा है कि नहीं यानी इंटरन ब्लिंकिंग मस्त चल रही है ना साहित्यिक और पूरा ऑप्शनल वाले बच्चे आप सोचिए आपकी न्यू डाल दे रहा हूं ये मत समझना कि आप एकदम से ऑप्शनल में पारंगत हो जाएंगे लेकिन आपसे बेहतर न्यू किसी की नहीं बनेगी आप देखिए अभी ही बता दिया गया साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से अतीत के बारे में हम जानते हैं और साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों से अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे कैसे कपड़े पहनते थे किस तरह के घरों में रहते थे हम आखेटकों पशुपालकों कृषकों शासकों व्यापारियों पुरोहितों शिल्पकारों कलाकारों संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जान सकते हैं तो अब पूछेगा इतिहास लेखन में फिर से एक प्रश्न ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए इतिहास लेखन में साहित्यिक या पुरातात्विक या साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों स्रोतों का क्या महत्व है तो आप लिखेंगे इतिहास लेखन में साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि यानी जिस भी काल के बारे में है लोग क्या खाते हैं कैसे कपड़े पहनते हैं किस तरह घरों में रहते हैं आखेटक पशुपालक कृषक शासक व्यापारी पुरोहित शिल्पकार कलाकार संगीतकार और वैज्ञानिक इनके बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं याद रखिएगा ठीक है तो ये सारी बातें हैं इसके साथ साथ इतना ही नहीं कौन सा खेल खेला जाता था कौन सी कहानियां प्रचलित थी जैसे पंचतंत्र की कहानियां जैसे पंचतंत्र की कहानियां तो मुझे आप बताइए पंचतंत्र की कहानी का साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थल से मिलता पंचतंत्र की कहानी का साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थल से मिलता उत्तर है लोथल से मिलता तो आप देख सकते हैं कहानियां फिर नाटक और फिर उसके साथ साथ गीत तो हम ये सारी चीजें यानी अपने अतीत के अध्ययन से पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों फिर देखिए आपको एक होमवर्क दिया गया एनसीआरटी में आपसे कहा कि पृष्ठ दो यानी ऑब्वियस एनसीआरटी का नर्मदा नदी का पता लगाओ अब देखिएगा यानी यहां नर्मदा नदी अब आ गया पीटी का क्वेश्चन और नर्मदा नदी यानी सभ्यता यहां पर डेवलप हो रही नर्मदा नदी अब कहा गया कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे और ये लोग कौन से थे आखेटक और संग्राहक थे कौन थे आखेटक और संग्राहक यानी आखेटक और संग्राहक थे अब आप देखिए मजेदार क्या थे आखेटक हंटर्स एंड गैदरस अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया तो अब अगर पीटी का क्वेश्चन मुझे बनाना हो आप लोग बना लीजिएगा प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहां पर बना लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका औब्लिक किनका संबंध हंटर्स गैदर्स समाज से रहा है ए नर्मदा नदी बी ब्यास नदी सी सतलज नदी डी सैंधो नदी चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा सैंधो नदी आंसर क्या होगा तो आप बोलेंगे नर्मदा अब देख रहे हो पढ़ कुछ और रहे हो क्वेश्चन कुछ और बन गया यही यूपीएससी किताबों को इसी प्रकार से पढ़ना है थ्री सिक्सटी डिग्री यानी आपको यूटर्न कर देना है हर एक चीज को क्वेश्चन के रूप में बनाते हुए चले जाना हर एक चीज को क्वेश्चन के रूप में बनाते हुए चले जाना है तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों यानी पहला क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर दिया गया अब कहा जा रहा है आप देख सकते हैं ये सारे ठीक है अब हम आगे पढ़ेंगे ठीक है ना चैप्टर वन में देख सकते हैं आप मानचित्र आपके सामने है ठीक है ना कौन कौन सा यानी आपके सामने ये सारे मानचित्र हैं देख सकते हैं बच्चों ठीक है क्लियर है अब एक एक नदी जैसे ये हो गई नर्मदा नदी ये देखिए ये है नर्मदा नदी और यहां कहा गया कि नर्मदा नदी पर आखेटक और संग्राहक रहते थे तो मुझे बताइए आखेटक और संग्राहक यानी देख सकते हैं आप नर्मदा नदी यानी हमारा मध्य देश ठीक है ना पाषाण काल वाला एरिया तो अब यही चीज है ध्यान रखिएगा पहली चीज हो गई नर्मदा नदी हमने पढ़ा एक क्वेश्चन बना लिया और अब उसके बाद हम यहां से आगे पढ़ रहे फिर कह रहा तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ ऑब्वियसली उत्तर पूर्व की बात यानी उत्तर पश्चिम कहां कहां पर यानी उत्तर पश्चिम ये देखिए सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियां ये देखिए सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियां यानी पाकिस्तान वाला एरिया सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियां मेरे प्यारे बच्चों और इनके बारे में पता लग गया कि यहां पर कुछ ऐसे स्थान है अभी क्योंकि सिक्स क्लासिया है तो स्थानों का नाम नहीं दिया जैसे मेहरगढ़ जैसे मेहरगढ़ का नाम यहां होना था लेकिन नहीं दिया जहां लगभग आठ हजार वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जव जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया अब देखिए इंपॉर्टेंट फिर पीटी का एक क्वेश्चन हो गया जरा देखिए फिर प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर टू और प्लीज काउंटिंग करते चलिएगा क्या है काउंटिंग करते चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या है काउंटिंग करते चलिएगा क्या है काउंटिंग करते चलिएगा ध्यान रखिएगा का काउंटिंग करते चलिएगा ठीक है क्या है काउंटिंग करते चलिएगा तो काउंटिंग में आप देखें यानी काउंटिंग करते चलना है कितने क्वेश्चन हो रहे हैं अब देखिए क्या हुआ अब पीटी का क्वेश्चन क्या बना कि क्या बना कि निम्नलिखित में से यानी किस कब यानी निम्नलिखित में से कब गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया गया ए आठ हजार वर्ष पूर्व ठीक है ना आठ हजार वर्ष पूर्व बी सात हजार वर्ष पूर्व सी डी क्या है पच्चीस सौ वर्ष पूर्व यानी सैंधो सभ्यता वाला काल कौन सा पच्चीस सौ वर्ष पूर्व यानी सैंधो सभ्यता वाला काल क्या है पच्चीस सौ वर्ष पूर्व यानी सैंधो सभ्यता वाला काल ध्यान रखें ठीक है तो ये, ये हो गया गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया ध्यान रखिएगा क्या गेहूं और जौ जैसी फसलों को आठ हजार वर्ष पूर्व तो पीटी का क्वेश्चन है यानी आठ हजार वर्ष पूर्व गेहूं और जौ की फसलें उपजाना प्रारंभ हो गया स्थल कौन था आप सबको पता है मेहरगढ़ याद रखिएगा फिर देखिए उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया यानी गाय देख सकते हैं वैदिक काल में प्रसिद्ध हुई लेकिन इसके पहले ही इसका प्रचलन चलता रहा तो भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया आप देख सकते हैं और ये गांव में रहते थे यानी नगरों का विकास नहीं हुआ था पहला नगर सैंधो सभ्यता ही बनेगा याद रखेगा तो ये हो गया सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के लोगों की जिंदगी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों की जिंदगी और ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो आपको अलर्ट रहना है अब इसके बाद यहां पर क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में बिंद पहाड़ियों का पता लगाओ तो उत्तर पूर्व में गारो आपके सामने देख सकते हैं क्या है यानी गारो पहाड़ियां हो गया और उसके बाद क्या कह रहा है याद रखिएगा गारो के बाद क्या कह रहा है मध्य भारत में बिंद पहाड़ियों का तो मध्य भारत में देखिए बिंद पहाड़ियां तो आप जिनका भी ऑप्शनल हिस्ट्री है इसी मैप के साथ आप स्थलों को पहचानना शुरू कर दीजिए अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बिल्कुल मत जाएगा अभी आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर बिल्कुल भी मत जाइएगा ये ध्यान रखिएगा क्या है ठीक है अभी केवल हम बेसिक सीख रहे नहीं मैपिंग आपको कठिन लगने लगेगी अदरवाइज मेरे साथ चलेंगे तो मैपिंग आपकी इजी हो जाएगी तो गारो पहाड़ियां और बिंद पहाड़ियां याद रखिएगा यहां पर कहा गया है कि यहां पर भी कृषि का विकास हुआ और अब बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी का प्रश्न पीटी का प्रश्न याद रखिएगा सबसे पहले चावल कहां उपजाया गया सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया तो सबसे पहले चावल बिंद के उत्तर में याद रखिएगा कहां पर बिंद के उत्तर में यानी बिंद के उत्तर में उपजाया गया और चावल सबसे पहले कहां पह बना उस स्थल का नाम क्या था कोलडीवा तो अगर कोलडीवा आता है तब तो ठीक है अदरवाइज बिंद के उत्तर में अब पीटी में क्वेश्चन बना देगा कि यानी भारत में चावल का उत्पादन सबसे पहले भारत में चावल का उत्पादन सबसे पहले कहां हुआ यानी लिख देगा कि यानी उत्तर पूर्व में गारो में उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में लेकिन नहीं ये हुआ है बिंद के उत्तर में तो आप देख सकते हैं चावल कहां से मिला ये सारे पॉइंट अब इसी हिसाब से यानी आप भारतीय उपमहाद्वीप का ये प्राकृतिक मानचित्र है जिनको भी मैप करना है प्लीज आप लोग इसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए एक एक चीज जैसे गारो पहाड़ियां क्योंकि जिस बच्चे को ऑप्शनल में मैपिंग करनी अगर उनको नदियों की स्थिति पता लग गई क्या पता लग गई नदियों की स्थिति अगर पता लग गई तो फिर उनको कोई समस्या होने वाली नहीं है याद रखिएगा नदियों की स्थिति अगर आपको पता लग गई तो कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है क्योंकि नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास होता है तो ऐसे में जो स्थल जो प्लेसेस आपको बाद में याद करने हैं आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा तो आप देख सकते हैं मानचित्र में अगर हम यहां से देखना स्टार्ट करें देख सकते हैं उत्तर पश्चिम में सबसे पहले झेलम नदी फिर चनाब नदी फिर रावी नदी और फिर देखिए यहां पर ब्यास नदी फिर ये सतलज नदी और ये सिंधु नदी है जिसकी ये सभी यानी सहायक नदियां हो गई आप देख सकते ये थार है हमारा राजस्थान का ये हो गया यमुना नदी ये हो गई गंगा नदी यहाँ से निकल रही ये हो गया आपका चंबल का एरिया ये बिंद पहाड़ियों के साथ देख सकते हैं ये सोन नदी हो गई ये नर्मदा नदी हो गई ये सतपुड़ा हो गई ये तापी नदी हो गई अब दक्षिण भारत की तरफ उड़ीसा में ये महानदी हो गई ध्रा गोदावरी नदी हो गई ये दक्कन का एरिया है गोदावरी के बाद कृष्णा नदी कृष्णा के बाद तुंगभद्रा तुंगभद्रा के बाद पेन्नार पेन्नार के बाद कावेरी क्या है पेन्नार पेन्नार के बाद कावेरी आप देख सकते हैं यानी एक तरफ पूर्वी घाट एक तरफ पश्चिमी घाट ये भी आप अपने दिमाग में रखिए और ये हो गई आपकी गंगा नदी तो इससे क्या होगा यानी आपको मैपिंग करने में, में मेरे प्यारे बच्चों सहूलियत हो जाएगी इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा वही मैप यहां पर देख सकते हैं क्या है यानी इंग्लिश में भी दिया गया है तो आप इसको देख लीजिएगा अब इसके बाद देखिए आपसे कह रहा होमवर्क तो अब ये आपका होमवर्क है जो आप घर पे करेंगे मैंने बता दिया क्या कह रहा है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो तो सिंधु ये देखिए मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियां आप आसानी के साथ यहां पर पढ़ सकते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये सिंधु नदी होगी अब उसकी सहायक आप देख सकते हैं ये सारी नदियां जो आपने पढ़ा ये सब उसकी सहायक नदियां हैं तो आप देख सकते हैं ठीक है सहायक नदियां किसे कहते हैं यानी उन नदियों को कहते हैं जो एक बड़ी नदी के अंतर्गत मिल जाती हैं ध्यान रखिएगा याद रखे ठीक है ना तो ये सारी बात आप देख सकते हैं और सबसे पहले सभ्यता का विकास कहां हुआ तो यहां लिखा हुआ सैंतालीस वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले तो इसका मतलब फिर पीटी का क्वेश्चन हो गया कि आरंभिक नगर निम्नलिखित में से किस नदी या न, न, नदियों के संगम पर विकसित हुए तो पीटी का क्वेश्चन हो जाएगा और उसका उत्तर हो जाएगा सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर याद रखेगा तो सैंतालीस वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर ही सबसे पहले सभ्यता सब अस्तित्व आया और नगरों का भी अस्तित्व देखा गया और अब इसके बाद देखिए ठीक है दूसरा पॉइंट आएगा सिंधु के बाद गंगा व उसकी सहायक नदियों यानी गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 2500 वर्ष पूर्व में नगरों का विकास हुआ तो अब ये डेट याद रखेगा पीटी के लिए कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे 2500 वर्ष पूर्व में ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ईयर पहले याद रखिएगा नगरों का विकास हुआ और सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर सैतालीस वर्ष तो सभ्यता का केंद्र रही है सिंधु और उसकी सहायक नदियां तो दो पीटी के फैक्ट यहां पर आपके सामने आ गए याद रखिएगा ठीक है ना अब इसके बाद आपसे कह रहा है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ तो आपको पता ही बताने की जरूरत नहीं है गंगा ये हो गया और उसकी सहायक नदी ये हो गई सोन ध्यान रखिए तो इसमें और भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं फिर इसके बाद देखिए बहुत महत्वपूर्ण गंगा के दक्षिण में इन्हीं नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था क्या जाना जाता था प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था तो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था ये आप ध्यान रखिये गंगा के दक्षिण का एरिया और एक विशाल राज्य यहां स्थापित हुआ आप सबको पता है जिसे हम मगध साम्राज्य कहते हैं तो अब जैसे ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए प्रश्न बनता है क्या प्रश्न बनता है कि मगध सॉरी मगध मगध महाजनपदों में श्रेष्ठ क्यों बना श्रेष्ठ क्यों बना तो मगध महाजनपदों में श्रेष्ठ बना क्योंकि मगध आप देख सकते हैं यानी गंगा और उसके आसपास की कई नदियों के साथ एक जल दुर्ग की स्थिति में था यानी जिसको जीत पाना उस समय संभव नहीं था यह भी एक बहुत बड़ा रीजन था ध्यान रखिएगा तो ये सारी बातें आप यहां से देख सकते हैं बाकी यहाँ पर इस वाले पॉइंट में कहीं से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो आपको पढ़ाया जाए और आपको याद करने की ज़रूरत पड़े और आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं आप सबको पता है आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं ध्यान रखिएगा यानी आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं यह भी आपको बहुत ज़्यादा यानी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपके काम का नहीं है ये मैप हो ही गया बताने की जरूरत नहीं अब आता है हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा मेरे प्यारे बच्चों जरा उस पर एक बार हम लोग फोकस होते हैं क्या है हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं तो यहां कहा गया कि लगभग ये पीटी का क्वेश्चन हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा लगभग 2500 सौ वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम यानी हमारे हिंदुस्तान के इस वाले एरिया में ईरानी और यूनानी हिंदुस्तान में आए इन्होंने ही सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा क्या कहा सिंधु नदी को हिंदोस कहा या इंदोस कहा यह नाम आप याद रखेगा और इस नदी के पूर्व यानी सेंधौ नदी के पूर्व का ये जो पूरा एरिया था उसको इंडिया कहा तो आप देख सकते हैं इंडिया नाम किसने दिया ईरानियों और यूनानियों के द्वारा तो अगर ऑप्शन में ईरानी और यूनानी दोनों आते हैं तो हम ईरानी मानेंगे और अगर ईरानी और यूनानी ऑप्शन में दोनों रहते हैं तो फिर ऑब्वियस है ईरानी और यूनानियों ने यानी इंडिया नाम दिया इसको आप ध्यान में रखिएगा इंडिया नाम किसने दिया बच्चों तो पीटी के लिए आप इसको याद रखिएगा ठीक है ना अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां ये कहा गया आगे अतीत के बारे में आप कैसे जाने तो अब आ गया है यानी जीएस के लिए भी प्रिलिम्स के लिए भी पांडुलिपि क्या है अगर मैं प्रिलिम्स में पूछ लू कि पांडुलिपि क्या है तो आप कैसे बता पाएंगे क्या है यानी पांडुलिपि क्या है अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या बता पाएंगे पांडुलिपि क्या है जरा एक बार बताएं पांडुलिपि आप देख सकते हैं तो यहाँ से आप देखिए यानी पांडुलिपि पीटी का भी है पांडुलिपि क्या है इसकी उपयोगिता क्या है मेंस के लिए मैंने पहले ही बताया कि स्रोत में यानी ऑप्शनल सोर्सेज में पांडुलिपियों पर प्रश्न बन सकता है याद रखिएगा पांडुलिपिया क्या होती हैं यानी पांडुलिपिया होती हैं इसके लिए एक अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल होता है जिसे मैनू कहते हैं जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना इसका मतलब है कि जो पांडुलिपियां होती हैं ये हाथ से लिखी गई होती हैं और इनको किस पर लिखा जाता है ये पांडुलिपियां पढ़ाया ताड़ पत्र पर ताड़ के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उन पर या हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ उगता है जिसका नाम होता है भुर्ज इसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी जाती है तो अब पीटी में अगर आपसे पूछ लिया कि प्राचीन काल में शब्दावली पूछता ही पूछता है पूछता है, पूछता है नहीं पूछता है? अगर आपसे पीटी में पूछ लिया कि प्राचीन काल में भोजपत्र क्या होते थे ए पांडुलिपियां बी कुछ और एक्स यानी कर सी कुछ और डी कुछ और तो भोजपत्र याद रखिएगा ये पांडुलिपियां होते थे और जिन पर हाथ से लिखा जाता था उस समय के बारे में यानी जबकि ये पांडुलिपियां हैं तो आप इसको याद कर लीजिएगा पांडुलिपियां क्या है मेरे प्यारे बच्चों अब इसके बाद देखिए ताड़ पत्रों से बनी एक पांडुलिपि का एग्जाम्पल भी यहां दिया गया है और यह पांडुलिपि जो यहां एग्जाम्पल में दिया है एक हजार वर्ष पहले लिखी गई थी आप देख सकते हैं याद रखिएगा ठीक है तो बस इसमें और कुछ भी नहीं हालांकि जो पांडुलिपियां रही हैं क्योंकि ये लकड़ी की बनी होती थी तो कीड़े इन्हें खा लेते थे लकड़ी के सामान पर कीड़े लगी जाते हैं आप सबको पता है तो इनमें से कुछ नष्ट कर दी गई फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं, और यह कहां मिलती हैं? मंदिरों में और बिहारों में प्राप्त होती हैं। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया कि इन पांडुलिपियों से इतिहास के पुनर्निर्माण में किस प्रकार सहायता मिली तो ये जो मंदिरों और बिहारों में मिली है इससे इतिहास के पुनर्निर्माण में क्या सहायता मिली तो इन पुस्तकों में जो जो रहता है वही हमें जानने को मिला इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों राजाओं के जीवन औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है यानी इन पांडुलिपियों से उस समय के धार्मिक जीवन के बारे में उस समय की राजनीति के बारे में उस समय विज्ञान के बारे में याद रखिएगा यानी हमें जानकारी मिलती है इसलिए यह इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो पांडुलिपियों की इतिहास लेखन में क्या भूमिका है आई होप आप सबको बता दिया गया के लिए भी पांडुलिपि क्या क्या है उनकी क्या है उनकी उपयोगिता आपको बता दिया ये याद रखिएगा ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ठीक है तो ये सारी बातें हैं अब इसके बाद होता है यानी हमारे यहां बहुत से महाकाव्य कविताएं और नाटक भी लिखे गए ये संस्कृत में लिखे गए याद रखिएगा संस्कृत में जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे ये पीटी का फैक्ट है याद रखेगा यानी चारों भाषा लिख देगा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा यानी आम बोलचाल की भाषा थी तो वो भाषा थी ध्यान रखेगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सी भाषा थी वो थी प्राकृतिक भाषा आप ध्यान रखेगा कौन सी भाषा यानी प्राकृत भाषा तो याद रखिएगा आम बोलचाल की भाषा थी Osionfish. तो ये सारी बातें हैं ध्यान रखिएगा अब चैप्टर वन में हम देखिए फिर आगे स्रोतों पर यानी अब हम फिर स्रोत पर आगे ऑप्शनल वाले एक्सपीरियंट तैयार हो जाएंगे और जीएस वाले भी उसके पीछे क्योंकि अभिलेख यानी अभिलेख अभिलेखों से इतिहास लेखन में क्या मदद मिली है यानी क्या है बच्चों अभिलेखों से इतिहास लेखन में क्या मदद मिली है? अभिलेखों से इतिहास लेखन में क्या मदद मिली है तो आप देख सकते हैं यानी अभिलेखों से इतिहास लेखन में क्या मदद मिली है यानी जिस भी शासक ने अभिलेख खुदवाए हैं उस शासक और उसके राजवंश की सामाजिक स्थिति उसकी राजनीतिक स्थिति प्रशासनिक आर्थिक और धार्मिक सभी और उसके अगर अंतरराष्ट्रीय संबंध है उसके बारे में भी हमें इन्हीं अभिलेखों से जानकारी मिलती है याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों तो सिंपल सी बात है अभिलेख राजाओं के हैं रानियों के हैं और भी अन्य लोगों के हैं तो अभिलेखों का इतिहास के लेखन में महत्वपूर्ण इतिहास के पुनर्लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है यहाँ डिटेल नहीं दिया गया है बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत से अभिलेख हेलियोडोरस का बेस नगर का स्तंभ अभिलेख उसके बाद फिर अशोक के तो शिलालेख अभिलेख आप देख ही सकते हैं फिर उसके बाद समुद्रगुप्त के सभी के यानी उसके बाद तो सभी गुप्त शासकों के ठीक है ना तो ढेर सारे अभिलेख हम पढ़ेंगे लेकिन अभिलेख सिंपल सी बात है हम मैं यहां एक डायग्राम बनाने जा रहा अभिलेखों से आप क्या क्या सीख सकते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा अभिलेखों से हम क्या क्या सीख सकते हैं जरा आइए यानी अभिलेख तो अभिलेखों से हमें क्या क्या मिलता है अभिलेखों की इतिहास लेखन में भूमिका अभिलेखों की इतिहास लेखन में भूमिका मेरे प्यारे बच्चों क्या है अभिलेखों की इतिहास लेखन में भूमिका तो आप देख सकते हैं अभिलेखों की इतिहास लेखन में भूमिका क्या है सबसे पहले यानी अभिलेखों से हमें तिथि पता लगती है डेट पता लगता है दूसरा हमें क्या पता लगता है यानी कि जो अभिलेख लिखे गए हैं उस समय उस अभिलेख लिखने वाले शासक का क्षेत्र विस्तार राज्य कहां तक था इसके बाद उस काल विशेष के काल विशेष के बहुत से हमें तथ्य पता लगते हैं याद रखें क्या पता लगते हैं काल विशेष के बहुत से तथ्य और फिर ध्यान रखिएगा इन तथ्यों का विश्लेषण भी मिलता है और इन्हीं अभिलेखों से यानी क्योंकि अभिलेख एक लिखे जाएंगे दूसरा अभिलेख भी लिखा जाता है तो जो दूसरे अभिलेख लिखे जाते हैं उससे एक अभिलेख में जो कहा गया है उसके बारे में इतिहास के बारे में उसकी पुष्टि भी होती है तो ये सारी चीजें होती हैं, और यही इतिहास लेखन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अब इसके बाद यानी और क्या मिलता है तो अभी मैंने आपको बताया यानी उस समय की सामाजिक स्थिति उस समय की राजनीतिक स्थिति उस समय की प्रशासनिक स्थिति उस समय की आर्थिक स्थिति उस समय की प्रौद्योगिकी उन्नति उस समय का धर्म ये सारी चीजें उस समय अंतरराष्ट्रीय संबंध उस राज्य के साथ तो अभिलेखों का इतिहास लेखन में ये महत्व है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा अब इसके बाद आता है फिर पीटी का क्वेश्चन कि सबसे पुराना अभिलेख कब का यानी फिर पीटी का क्वेश्चन आता है प्रिलिम्स का क्या आता है सबसे पुराना अभिलेख कब का है सबसे पुराना अभिलेख कब का है तो लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख मिला है यह अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है ये यहां नाम नहीं लिखा है लेकिन यह उसी बोगज कोई अभिलेख की बात हो रही बच्चों कौन सा अभिलेख बोगज अभिलेख की बात हो रही है इसी बोगज अभिलेख में क्या मिलता है याद रखिएगा इसी में वैदिक कालीन देवता इंद्र मित्र वरुण और नाशत्य का उल्लेख मिलता है किसका इंद्र मित्र वरुण और नाशत्य का उल्लेख मिलता है तो आप देख लीजिए 2250 वर्ष पुराना कहां से मिला है तो सबसे पुराना अभिलेख पीटी का क्वेश्चन है डेट ही पकड़ा देगा खासकर स्टेट सिविल सर्विसेज में सबसे पुराना अभिलेख कब का है तो बाईस वर्ष पूर्व का है कहां से अफगानिस्तान में कंधार से मिला है याद रखेगा ठीक है ना क्लियर हो गया हालांकि यहां पर जो कहा गया है यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था इस शासक के विषय में तुम अध्याय आठ में पढ़ोगे लेकिन मैंने जो बताया वो भोगज कोई अभिलेख के बारे में बताया है ध्यान रखेगा ये जो बता रहे हैं वह ये बता रहे हैं कि बाईस सौ वर्ष पूर्व अशोक के बारे में ध्यान रखिएगा बट यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट है आप मुझे खुद बताइए हाँ ठीक है तो ये अशोक के अभिलेख की बात कर रहे हैं और मैंने बोगज कोई अभिलेख की बात करी। वो भी मध्य एशिया से ही मिला है और इंद्र मित्र वरुण और नासत्य के बारे में उसमें जानकारी और सबसे पुराना अभिलेख है अभिलेख अशोक का उसके बाद का तो इन्होंने कुछ बातचीत की है याद रखेगा ठीक है ना और अब आता है क्या है यानी कौन ये जो अभिलेख मिले हैं कहां पर अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुए हैं यानी उत्तर पश्चिम से प्राप्त हुए इसमें भाषा कौन सी है तो इसमें भाषा है यूनानी और अरायिक तो आप देख सकते हैं यानी जो अभिलेख ये भी पीटी का क्वेश्चन हो गया क्या हो गया ये भी पीटी का क्वेश्चन हो गया क्या क्वेश्चन हो गया कि जो अभिलेख यानी उत्तर पश्चिम से मिले हैं कं कंधार से अफगानिस्तान से अशोक के उनकी भाषा क्या है तो उनकी भाषा है यूनानी और आरामयिक भाषा है इसको आप याद कर लीजिएगा ये पीटी का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों अब आपसे कुछ प्रश्न पूछा गया जिनका कोई तुक नहीं बनता है मैं स्क्रीन से हट रहा हूं एक बार आप लोग पढ़िए क्या इन प्रश्नों का कोई तुक बनता है क्या क्या इन प्रश्नों का कोई तुक बनता है क्या बच्चों तो इसका मतलब इसको हम इंजॉय करेंगे क्या करेंगे इसको हम इंजॉय करेंगे और आप लोग लाइक like का बटन दबाते चलेंगे ध्यान रखिएगा ये सेशन आपका है लेक्चर आपका है और हमें अभी हम सिक्स क्लास के एन में एक बेस बनेगा एक भी लेक्चर छूटना नहीं चाहिए क्योंकि अगर एक भी लेक्चर छूटा तो हमारा बेस याद रखिएगा फिर से हमें बनाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये सारी चीजें हैं यहां से अब इसके बाद यहां पुरातत्व विदों के बारे में बताया गया पुरातत्व विद यानी पुरातत्व के विद्यान यानी जो खुदाईयां वगैरह करके इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं तो यहां से कोई प्रिलिम्स का क्वेश्चन आपके लिए नहीं है इसलिए उसको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है यहां पर ये यह सारी पिक्चर्स हैं यहां से भी आपको कोई भी चीज आपके एग्जाम यहां से कोई भी चीज आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है याद रखेगा और यहां से भी कोई भी चीज आपको यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है वहां मैं क्रॉस लगा दे रहा हूं जिससे आपका पढ़ते समय टाइम खराब ना हो यानी इनको आप सीधा सीधा स्किप कर जाएंगे तभी तो मजा आएगा ना इतनी एन इतनी हो जाएगी दैट्स कॉल इज ऑफ स्टडिंग क्या कहेंगे यानी पढ़ाई करने में आसानी मेरे प्यारे बच्चों याद रखें अब देखिए ऑप्शनल के बच्चों के लिए जो मैंने कहा क्या कहा स्रोत इधर देखिए देखिए स्रोत स्रोत आपके पांडुलिपियों अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं क्या करते हैं इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप देख सकते हैं स्रोत यानी इतिहास के स्रोतों में पांडुलिपि भी है अभिलेख भी है और पुरातत्व से जो भी ज्ञात जानकारियां होती हैं उन्हें हम स्रोत कहते हैं तो पांडुलिपि अभिलेख और पुरातत्व से प्राप्त जानकारियां उन्हें हम स्रोत कहते हैं इन्हीं स्रोतों से हम अतीत का अध्ययन करते हैं याद रखिएगा तो इसलिए ऑप्शनल के बच्चों के यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान रखिए क्या कर रहा हूं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं याद रखिएगा ठीक है ना उसके बाद अतीत एक या यह जो नंबर है यह भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं इसमें यह बताया गया है कि किसानों का शिल्पकारों का राजा और रानी का जीवन कैसे एक दूसरे से अलग होता है और भी बिल्कुल अलग होता है वो सामान्य लोग वो विशिष्ट लोग तो यहां से अपने एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं है याद रखिएगा ठीक है इसके साथ साथ यहां पर भी हमारे लिए कुछ भी नहीं है इसको भी मैं कट कर दे रहा हूं आप भी इसको कट कर दीजिएगा बिल्कुल मत पढ़िएगा ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी कुछ भी आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई फैक्ट नहीं है केवल जानकारी है कि पुरातत्व तो क्या क्या खोजते हैं कैसे खोजते हैं उसका क्या तो आपको मैंने पहले ही बता दिया ध्यान रखिएगा कि जो अभिलेखों कोई भी स्रोत हो उस स्रोत से क्या मिलेगा जो मैंने अभिलेखों वाला पॉइंट बताया ना कि हमें पता चलता है डेट हमें पता चलता है ठीक है ना उस समय अगर कोई शासक था उसका क्षेत्र विस्तार फिर हमें बहुत से फैक्ट पता चलते हैं यानी राजा के बारे में फिर उस समय के समाज के बारे में उस समय के राजनीति के बारे में उस समय के प्रशासन के बारे में उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में उस समय की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में उस समय की प्रौद्योगिकी तो उन्नति के बारे में सिंपल सी बात तो कोई भी स्रोत हो उनसे हमें यही बातें जो मैंने आपको बताई यही पता चलता है इसलिए ऑप्शन वाले बच्चे यही इतना पॉइंट आप लिख लीजिएगा बाकी सब छोड़ दीजिएगा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों अब तिथियों का मतलब आपको यहां समझाया गया यानी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ते हैं जैसे ईस्बी पूर्व यानी ईसा से पहले क्या है ईस्बी पूर्व यानी बीसी बिफोर क्राइस्ट इसको हम ईस्बी इस पूर्व कहते हैं यानी ईसा के जन्म के पूर्व की जितनी भी डेट होती है उनको हम क्या कहते हैं ईसा से पहले याद रखिएगा और उनके जन्म के बाद जो भी डेट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं आफ्टर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के, मसी के बाद तो कोई नहीं यही चीज यहां पर बताया गया है याद रखेगा तो बीसी क्या होता है याद रखेगा ठीक है ईसा जैसे 2000 हजार बीसी अगर कहा जा रहा तो इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के 200 वर्ष के पहले अगर बीसी और एडी कहा जा रहा था दो वर्ष के बाद तो इसके लिए आपको भी अंग्रेजी में बीसी हिंदी में इस भी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है याद रखेगा कभी कभी ए डी भी मिलता है हिंदी में ई e मिलता है याद रखिएगा इसको बोलते हैं एनो डोमिनी ये दो लैटिन शब्दों से बना है इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से याद रखिएगा कभी कभी एडी की जगह सीई भी मिलता है बीसी की जगह बीसीई भी मिलता है घबराने की जरूरत नहीं सीई का मतलब होता है कॉमन एरा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बीसीई का होता है बिफोर कॉमन एरा याद रखिएगा इसलिए आपको घबराना नहीं है आपको एक बार देख लेना है क्या क्या है याद रखिएगा एडी यानी एनोडोमिनी ठीक है यानी ईसा मसीह के जन्म का वर्ष उसको हम एडी कहते हैं और बीसी कहते हैं उनके जन्म के पहले तो आप इसी हिसाब से इतिहास में डेट दिया रहता है आप सब याद कर सकते हैं और कुछ भी आपको जानने की जरूरत नहीं है याद रखेगा ठीक है तो बस यही सारी बातें थी पहले चैप्टर में और कुछ भी खास नहीं है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये मिस्र की कहानी है इसको आपको बिल्कुल भी नहीं देखनी है ये मिस्र के उत्तरी तट पर रोसे की कहानी है रोसेटा कस्बे की आपको बिल्कुल भी नहीं देखनी है यह भी आपको बिल्कुल नहीं देखना है यह भी आपको बिल्कुल नहीं देखना यह भी आपको बिल्कुल नहीं देखना है यानी आपका चैप्टर हो गया छोटा अब फटाफट यानी आपको यह भी नहीं देखना है ठीक है ना और अब हम आते हैं यानी क्वेश्चन आओ याद करें अब आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित का सुमेल करो अब आ गया यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या हो गया यानी एनसीईआरटी के प्रश्नों का अभ्यास ये अगर आपने कर लिया तो समझिए आपकी लाइफ चेंज है और इसे आप करेंगे क्योंकि मैंने पढ़ाया अब अगर आपसे कहे सुमेलित करना है निम्नलिखित का सुमेल करो पीटी में यही क्वेश्चन तो आता है चलिए बताइए पीटी में यही तो आता है ना किसका किससे सुमेल है तो आप देख सकते हैं नर्मदा घाटी में क्या सबसे पहले हुआ मगध में सबसे पहले क्या हुआ गारो पहाड़ियों में सबसे पहले क्या हुआ सिंधु और उसकी सहायक नदियों में क्या हुआ गंगा घाटी में क्या हुआ तो ये सारे आप करेंगे यानी ये आपका होमवर्क है सही रहेगा बच्चे होमवर्क है कि नहीं है मैं बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा मैंने सारे पॉइंट बताए हैं कि नहीं एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताओ मैं आप लोगों का कमेंट देखने जा रहा हूं फोन मेरे हाथ में आ चुका है फोन मेरे हाथ में आ चुका है फटाफट बताइए क्या करेंगे इसको कि नहीं करेंगे फटाफट बताइए ये आपका होमवर्क है कि नहीं ठीक है ना यानी देख सकते हैं नर्मदा घाटी पहला बड़ा राज्य कहाँ बना आखेटक संग्राहक कहाँ रहते थे लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर कहाँ पाए गए आरंभिक कृषि कहाँ पाई गई प्रथम नगर कहां पाए गए कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है कॉमेंट इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है मेरे प्यारे दूसरा क्वेश्चन है इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, है. पांडुलिपियों और अभिलेखों में एक, एक पांडु में एक प्रमुख अंतर बताइए पांडुलिपियों और अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए चलिए मैं बता देता हूं यानी क्या होता है अंतर पांडुलिपियां जो है छरित हो सकती हैं खराब हो सकती हैं और खराब हो जाती हैं लेकिन अभिलेख शाश्वत बने रहते हैं तो एक बहुत बड़ा अंतर यह यानी अभिलेखों की सस्टेनेबिलिटी ज्यादा है बाकी यानी आप पांडुलिपि और अभिलेखों में एक अंतर भी निकाल लीजिएगा तो दूसरा प्रश्न हो गया मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में भी देखिए मैच द फॉलोइंग नर्मदा वैली मागा गारो हिल्स इंडस ट्रिब्यूटरीज, गंगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपने घर में नहीं एक ही तो क्वेश्चन है इसी बहाने आप सबकी एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ठीक है ना और अपनी कॉपी के अंदर भी आप लिख सकते हैं अब इसके बाद देखिए रिवीजन क्या है रिवीजन यानी आपको शिक्षा की कोई भी चैप्टर पढ़िए तो आपको दबा के रिवीजन करना क्या करना है आपको दबा के रिवीजन करना है तो रिवीजन कृषि का आरंभ कब हुआ है 8000 वर्ष पूर्व कब हुआ है 8000 वर्ष पूर्व सिंध सभ्यता के प्रथम नगर कब बने सैतालीस वर्ष पूर्व सिंध सभ्यता के प्रथम नगर कब बने सैतालीस वर्ष पूर्व गंगा घाटी के नगर यानी कब बने और मगध का बड़ा राज्य कब बना 2500 वर्ष पूर्व वर्तमान ठीक है ना तो आप यहां से देख सकते ठीक है तो ये सारी बातें हैं और इसके बाद कह रहा आओ चर्चा करें तो चर्चा में रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो इसके क्या उत्तर हो सकते हैं तो आप जरूर सोचिएगा रसीदा अतीत के बारे में ही चिंतन करती है ना तो अतीत क्या है फिर इसके बाद जब खोज करते हैं तो जो भी वस्तुएं पाते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई और यह फिर साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते हैं इसके बारे में तुम क्या सोचती यानी उनका अभिलेख क्यों नहीं होता तो सोचिए ना दिमाग को बड़ा करिए ना फिर अगला छठा क्वेश्चन कम से कम दो ऐसी बातों को उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता लगता हो राजा और किसान के जीवन में भिन्नता के दो पॉइंट बच्चे आपको लगेगा छठी के एनसीआरटी ना लेकिन अगर इन प्रश्नों को हल करिएगा खटिया खड़ी हो जाएगी इतना आसान होता नहीं वो दिखता है इसलिए हल करिएगा जरूर मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा ठीक है ना तो बस इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थैंक यू सो मच कल अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर टू के साथ आएंगे मिलते हैं शाम को बजे हिंदू में डेली एक चैप्टर मजा आ गया डेली एक आपके बहुत वर्डन नहीं और आप पढ़ते चले गए थैंक यू सो मच जय हिंद लेट्स करेक्ट गॉड बीन पे हम लोग मिल रहे हैं सुबह ग्यारह बज के पंद्रह मिनट पर ठीक है ठीक है समय चेंज करना पड़ा क्योंकि मेरे साथ कई एजुकेटर्स की क्लासेस क्लास कर रही थी इस वजह से थैंक यू सो मच जय हिंद लेट्स क्रैक गॉड ब्लेस